श्री श्याम मंडल न्यास द्वारा आयोजित 49वें वर्ष के पूरे होने पर श्री श्याम महोत्सव निशान शोभायात्रा 501 निशान के साथ गीता प्रेस स्थित कालीबाड़ी मंदिर से निकाली गई। इस शोभायात्रा में लगभग 1400 से अधिक भक्त शामिल रहे। यह यात्रा कालीबाड़ी मंदिर से निकलकर गीता प्रेस, साहबगंज, बख्शीपुर, रेती चौक, घंटाघर, नॉर्मल तिराहा होते हुए त्रिदेव धाम भूमि स्थल पर समाप्त हुई, जिसके संबंध में कार्यक्रम संयोजक संतोष अग्रवाल ने बताया कि श्री श्याम मंडल न्यास द्वारा 49वें वर्ष होने पर श्री खाटू श्याम जी की शोभा यात्रा निकाली गई है। उन्होंने कहा कि सभी श्याम भक्त एक तरह का साफा पहने हुए पूरा गोरखपुर नगरी खाटू धाम की जैसे प्रतीत हो रही है। श्याम भक्तों के द्वारा किए जा रहे कार्यों की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। जिन सड़कों से यह शोभा यात्रा गुजरी वही श्याम भक्तों के ऊपर फूलों की बारिश करके स्वागत किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कार्यक्रम के संयोजक संतोष अग्रवाल, अरुण कुमार टिबड़ेवाल, पूजा टिबड़ेवाल, रुचिता जगनानी और नीतू टिबड़ेवाल ने कहा।
अरुण कुमार टिबरवाल गोरखपुर। निशान की शोभा यात्रा है शाम प्रभु की, ये साल में आज उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में निकाली जाती है। और शाम को इस उत्सव का सेलिब्रेशन है, इसमें बाहर से ढप वाले भी आए हैं, हमारे कुल देवता हैं, हम लोग आराध्य हैं। ये 15 साल पूरा होने जा रहा है और शाम को कीर्तन है, उत्सव है, महाप्रसाद है। ये एक लंबे समय से, बहुत लंबे समय से यात्रा निकाली जाती है। ये रास्ता यहाँ से बक्शीपुर होते हुए, रेती होते हुए त्रिदेवधाम जाएगी, जो श्याम मंडल का जहाँ मंदिर प्रस्तावित है, जिस पर भूमि पूजन होना है, शाम को कार्यक्रम वहीं पे है। संतोष अग्रवाल कार्यक्रम संयोजक। गोरखपुर में खाटू श्याम जी की यात्रा निकाली जा रही है। श्री श्याम मंडल न्यास द्वारा ये 49वां वर्ष है, अगले साल हम लोग का 50वां वर्ष है श्री श्याम मंडल न्यास का, और वहाँ पे हम लोग त्रिदेव धाम मंदिर बना रहे हैं और काफ़ी व्यवस्थाओं के साथ एक धर्मशाला का भी निर्माण किया जाएगा। आज सभी हमारे मारवाड़ी समाज के श्याम भक्त जो खाटू श्याम जी के यहाँ जाते हैं, आज हम लोग कार्तिक पूर्णिमा पे जो बाबा का जन्मदिन होता है उस दिन मनाया जाता है कार्तिक, और कार्तिक पूर्णिमा तक ये उत्सव चलता है, और इसी उत्सव के क्रम में आज हमारी ये शोभा यात्रा निकल रही है। श्याम भक्त लेकर के चल रहे और पूरा खाटू का नजारा यहाँ गोरखपुर की धरती पर होगा। श्याम भक्तों में बहुत उत्साह है और यह उत्साह शाम को 7 बजे त्रिदेव धाम अतिथि भवन स्थल पर, वहाँ पर कीर्तन होगा, प्रसाद होगा, सवामनी का भोग लगेगा, बाबा को 56 भोग लगाए जाएंगे, और हमारी उम्मीद है कि कम से कम 4 से 5 हजार श्याम भक्त आवेंगे। आज के कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण राजस्थानी ढप है, जो ढप कलाकार जयपुर से आए हैं, और हमारे मुख्य गायक भजन गायक है कलकत्ता से आए राजपाल जी। यह शोभा यात्रा गीता प्रेस लालडिगी साहबगंज लक्ष्मीपुर आपके रेती चौराहा घंटाघर होते हुए पांडेहाता होते हुए नॉर्मल टैक्सी स्टैंड के पास त्रिदेव धाम अतिथि भवन। रुचिता जगनानी। ये श्याम बाबा की शोभा यात्रा है, इनका शोभा यात्रा सुबह निकलती है, जो कि हम लोग त्रिदेव भवन का जहाँ बनेगा वहाँ जमीन पे जाएगी, और शाम में 7 बजे से कीर्तन होना है, जो कि प्रभु इच्छा जब तक चलेगा चलेगा। तो सिंगर्स आ रहे, बड़े सिंगर्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, इससे बड़ी चीज़ हमारे जीवन में कुछ हो ही नहीं सकती है। भगवान का दर्शन करें, भगवान की शोभा यात्रा में शामिल हो, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा, मतलब हमें लग रहा है कि मतलब ये मौका हमें मिला है, हमारे सौभाग्य की बात है हमारे लिए। पूजा टिबरेवाल, ये शोभा यात्रा है हमारे बाबा जी की, हर साल निकलती है और सब खूब बढ़ चढ़ के इसमें पार्ट लेते हैं, और हम लोग भी हमेशा ही आते हैं। जय बाबा की। बहुत उत्साह है, जो बयान नहीं कर सकते हैं, उसकी कोई सीमा ही नहीं है, नाचते गाते झूमते। नीतू टिबरेवाल, बहुत अच्छी, बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली जा रही है, और ये हर साल होती है और हर साल ये बढ़ती जा रही है। कितना उत्साह है आप लोगों में? बहुत ज़्यादा उत्साह है,